कठुआ में कार्य कर रहे सलीम सिपाही सलीम को कल खबर सामने आने के बाद कि उसको किडनैप कर लिया गया है, उसको आतंकवादियों ने बंधक बना लिया है, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद उसको उसके शव को उसके घर में पहुंचाया गया था, जिसमें मातम का माहौल छा गया था। हालांकि सलीम जो था वो कुलगामा का था और कठुआ में ट्रेनिंग कर रहा था, एक बहादुर सिपाही था। आपको बता दूं कि इसी के चलते जिन आतंकवादियों ने सलीम को बंधक बनाया था उनसे कुछ बातचीत की वीडियो सामने आया है। आपको दिखाते हैं ये वीडियो, क्या बातचीत हुई और उसके बाद इसकी हत्या क्यों की गई। आपको बताता चलूँ कि इसके बाद आज हमारी भारतीय सेना ने सलीम को मारने वाले तीन आतंकवादियों को हालांकि ढेर कर दिया है, उनका जवाब पत्थर से दिया है। तो हम सलाम करना चाहते हैं भारतीय फौज को। तो आइए कुछ अंश आपको दिखाते हैं जहां पर आतंकवादियों से बातचीत करता है सलीम, बहादुर सलीम सिपाही था, देश का एक जावाज सिपाही था। आइए बात की कुछ अंश सुनते हैं। مانن اہن سا مے ہسا کر عادل پٹھان اس قبول کرتے ہو عادل پٹھان کرنو سا چی شہید زبردست کے بغیر قبول کرتے ہو زبردستی ممکن گسن نہ 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 کئی چوب چھ کے چوب زوری ونا نہ 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 سو دبن لگا پان 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 چھ کا چوب زور منن کی چھ ونا پان 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 چوب زور پان دم دا کرت عادل پٹھان اس مقبری او او بے کو سست میس حیاز نہ تم سیت کو بے شہید عادل پٹھان اس اکیلا ये आप तस्वीरें जो इस समय हमारे चैनल पर देख रहे हैं, ये उनके सलीम शहीद हुए सलीम की घर की तस्वीरें हैं, जहां पर मातम छाया हुआ है। एक देश का जवान, एक देश का नागरिक, एक देश का जंग बहादुर सिपाही हमने खो दिया है, जिसके बाद हमारी भारतीय सेना ने पूरे पराक्रम से ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। और आज भारतीय सेना ने अपनी कार्रवाई करते हुए उन तीन आतंकवादियों को ढेर कर दिया जिन्होंने सलीम को, एक बहादुर सिपाही को, मौत के घाट उतारा था। आइए देखते हैं ये कार्रवाई जो आज हमारी भारतीय सेना ने कर दिखाई है, जिनको तीन आतंकवादियों को मार गिराया है। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और भी चैनल खबरें देखने के लिए। आरके मीडिया न्यूज़ चैनल पर सब्सक्राइब।